नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। नौसेना को मिला INS वागीर, पांचवी क्लास की स्कॉर्पिन पनडुब्बी हुई शामिल। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई पांचवी कलवरी क्लास की स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर मिल गई। वागीर के जनवरी 2023 में नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन की 6 आधुनिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक से लैस INS वागीर सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। INS वागीर को 12 नवंबर 2020 को मुंबई के मझगांव डॉक में लॉन्च किया गया, जिसके बाद वागीर ने 1 फरवरी 2022 से अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। नौसेना ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि वागीर ने सारे परीक्षण बहुत कम समय में पूरे कर लिए। दिलचस्प बात यह है कि इस पनडुब्बी का नाम शिकारी मछली वागीर के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों को बनाया जाना है। इन सभी का निर्माण भारत में ही किया गया है। ये सभी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। अभी खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।